बसमर रही नवीद अंजू विद फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिंपल पेंडुलम अब जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था मै ऑरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम वो भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट था अब ये जो टॉपिक है ये भी आपके लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है अब सिंपल पेंडुलम को हम डिफ़ाइन करते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है तो सिंपल पेंडुलम एक बात आपके जहन में होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम एक हमारा आइडियल सिस्टम है आइडियल सिस्टम ऐसा होता है जो रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है अब उसकी शराइत क्या है कि आइडियल सिंपल पेंडुलम ऐसा सिस्टम है जो कि एक बॉब है जो कि सम्माल भी है और हैवी है कि एक बॉब हमने लिया जो कि समाल है और हैवी है अब मैस उसका वो समाल है तो हैवी तो ये भी एक आइडियल कंडीशन है कि है भी समाल और हैवी भी है मतलब वेट भी उसका ज़्यादा है ठीक है इसी तरीके से सस्पेंडेड विद अ फ्रिक्शन लेस सपोर्ट ठीक है तो जो हमने सस्पेंड किया है उसको फ्रिक्शन लेस सपोर्ट के साथ और उसे अटैच किया अब बॉब है समाल है हैवी है उसको हमने अटैच किया किसके साथ एक स्ट्रिंग के साथ और स्ट्रिंग कैसी है वेटलेस है वेट है ही नहीं उसका एंड कि जब किसी चीज़ को लटकाएं उसके साथ लटकाई जाए तो वो एक्सटेंड भी नहीं होती तो ये भी आइडियल कंडीशन है रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई भी आप खा आपकी जितना सख्त सिस्टम है ठीक है जब उसके साथ वेट लटकाएंगे तो उसके अंदर एक्सटेंशन आती है ठीक हो गया तो पहली कंडीशन क्या है कि समाल बट हैवी मैस दूसरी कंडीशन है कि उसको अटैच किया किसके साथ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और फिर उस स्ट्रिंग को हमने सस्पेंड किया विद अ फ्रिक्शन लेस अब जिस जिस सपोर्ट के साथ हमने उसे सस्पेंड किया वो भी फ्रिक्शन लेस सपोर्ट अब ये तीनों कंडीशन रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है तो ये एक आइडियल सिस्टम है आइडियल सिंपल पेंडुलम है रियल लाइफ में हम इसे फुलफिल ये रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अगर स्मॉल मैस होगा तो उसका वेट भी कम होगा लेकिन ये कहता है स्मॉल बट हैवी ठीक हो गया एक चीज़ दूसरी चीज़ उसको जो स्ट्रिंग के साथ हमने बांधना है वो स्ट्रिंग जो है वो वेटलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है और फिर उस स्ट्रिंग को जिसके साथ सपोर्ट के साथ, साथ बांधना है और वो सपोर्ट भी फ्रिक्शनलेस है तो आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है वो उस वो इस तरह का होता है अब हमने किया क्या उसी तरीके से हमने क्या किया कि एक आइडियल केस कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक बॉब है जिसका मैस क्या है एम उसको हमने अटैच किया विद मैस लेस और इनएक्सटेंसीबल स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है एल और उसको हमने सस्पेंड कर दिया किसके साथ एक फ्रिक्शन सपोर्ट और ये क्या है सपोर्ट है और कौन सी सपोर्ट है फ्रिक्शनलेस, ठीक हो गया तो हमने उसके मुताबिक हमने उसका सिस्टम कंसिडर कर लिया अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको लटका देते हैं तो अगर हम उसके ऊपर फोर्सेस की बात करें तो उसके ऊपर टोटल दो फोर्सेस हैं कौन कौन सी एक वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो अपवर्ड मोकर अब, हमने क्या, theta, अब theta angle, हमने क्या किया कि उस सिस्टम को एक समाल एंगल थीटा अब थीटा बहुत ज़्यादा समाल है ये एंगल हमने क्या किया कि उस सिस्टम को यहाँ से डिस्प्लेस किया यहाँ तक एंगल क्या था थीटा जो कि हमने बहुत समाल रखा है अब एंगल थीटा है तो हमने उसे डिस्प्लेस कर दिया जैसे ही डिस्प्लेस किया तो अब उसके ऊपर यहाँ पे आया तो यहाँ से हमने उसे डिस्प्लेस किया उसकी मीन ये उसकी मीन पोजीशन थी और ये फॉर एग्जाम्पल उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ए यहाँ तक अब अगर इसको मैं देखूँ ठीक है तो अगर ये उसके साथ एंगल थीटा बना रहे तो यहाँ पे उसका मैच है वेट है वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी अब ये स्ट्रिंग जो है अगर मैं इसकी बात करूँ ये भी उसके साथ एंगल थीटा बना रहा होगा कैसे हम पिछले केस के अंदर हमने देखा कि दो पैरल लाइन ठीक हो गया उसको अगर कोई एक लाइन कट करती है तो ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं ठीक हो गया तो ये एंगल इक्वल इसके साथ और ये इसके साथ है लाफ साइन के साथ ठीक हो गया ठीक हो गया दो पैरल लाइन्स थी जहाँ पे एंगल थीटा था ये वाला इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये एंगल भी इक्वल तो अब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा ठीक हो गया दो पैरल लाइन्स उसको रे ने कट किया ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा अगर ये इसको क्रॉस करते हैं ये एंगल और ये एंगल भी आपके इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो एंगल थीटा बना रहा है तो वेट जो है उसके साथ ये वाली लाइन हमने एंगल थीटा ठीक हो गया अभी तक हमने किया क्या कुछ भी नहीं किया ठीक है हमने सिर्फ देखा कि दो फोर्सेस हैं एक टेंशन इन द स्ट्रिंग है और एक वेट है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड है उसको डिस्प्लेस किया अब यहां पे हमने देखना है अब अगर मैं इस वेट को देखूं तो यहां पे एंगल वो थीटा बना रहे है। अब ठीक है उस स्ट्रिंग के साथ एंगल कितना बना रहे है, थीटा वेट तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक वेक्टर है क्वांटिटी वेक्टर किसी भी के साथ एंगल थीटा बना रहे है, तो उसके कंपोनेंट होंगे जो जिसके साथ वो एंगल बना रहे है, थीटा वो वाला कंपोनेंट एम जी का थीटा एक्स कंपोनेंट होगा और जो इसके परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो एम जी साइन थीटा होगा तो हमने क्या किया कि वो जो वेट था क्योंकि वो एंगल स्ट्रिंग के साथ एंगल थीटा बना रहा था तो हमने उसका जो वेट है उसको हमने रिजॉल्व कर दिया उसके कंपोनेंट में तो उसके दो कंपोनेंट आए एक एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन थीटा अब एम जी कॉस थीटा क्या है जो थीटा के साथ तो अगर थीटा के साथ जो बनाएगा वेट का जो एंगल होगा थीटा के साथ वो होगा एम जी थीटा और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा एम जी साइन थीटा अच्छा अब हम देखते हैं कि दोनो, दोनों दोनों कंपोनेंट का रोल क्या अब फॉर एग्जांपल सिस्टम स्टेबल रहता है हमने उसके साथ लटकाया ठीक हो गया अब ना वेट नीचे गिर रहा है ना वेट ऊपर की तरफ हो रहा है अब ये वाला जो काम है ये आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर या प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा जब आप रियल एंड अपेरेंट वेट की बात कर रहे थे तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसका अपेरेंट वेट ज्यादा है तब ऊपर की तरफ मूव कर रही अब अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब उसका रियल वेट ज्यादा था तो वो नीचे की तरफ मूव कर अगर सस्पेंडेड है तो रियल और अपेरेंट वेट इक्वल अब अगर ये सिस्टम स्टेबल है ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम स्टेबल है और स्टेबल कब होगा जब जो उसकी टेंशन है वो एम जी थीटा के इक्वल होगी तो हमने ये कहा कि टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी कॉज इक्वल होगी क्यों क्योंकि कोई मोशन नहीं है अलॉन्ग द स्ट्रिंग ये वाली मोशन नहीं हो रही नीचे की तरफ नहीं मैथ जा रहा आइडियल केस है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो हमने कहा कि t इज इक्वल टू एम जी कॉज सीटा कि जो टें एम जी कॉज सीटा वाला कंपोनेंट होगा वेट का वो इक्वलाइज कर देगा टेंशन के साथ ठीक हो गया क्योंकि कोई मोशन नहीं है वर्टिकल कोई मोशन नहीं है लॉन्ग द स्ट्रिंग ये वाली अच्छा जी अब हम क्या करते हैं कि उसको छोड़ते हैं तो ये मोशन स्टार्ट कर देता है टू एंड फ्रो मोशन जिसको अपने सिंपल हारमोनिक मोशन का तो पहले भी हम पढ़ चुके के हमने इसको इधर ला के छोड़ दिया कोई फोर्स नहीं लगाई अब एक ऐसी फोर्स है जो से मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही जिसको हमने रीस्टोरिंग फोर्स कहा था तो वो कौन सा वाला कंपोनेंट होगा वेट का जो कि क्योंकि टेंशन और इसके साथ कैंसल हो गए सिर्फ एक कंपोनेंट है फोर्स का वो एम जी साइन थीटा है। और उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एम जी साइन थीटा है वो अब मैस या वेट या बॉब को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगा तो ये वाली जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वेट का कंपोनेंट होगा ये रीस्टोर करेगा उसकी ओरिजिनल पोजीशन या मेन पोजीशन। तो इसी वजह से ये वाला जो कंपोनेंट है उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम को मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मेन पोजीशन है और नेगेटिव साइन साथ लगा दिया क्योंकि इट्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजिशन है अब हमने क्या कहा कि एंगल वेरी स्मॉल है अब अगर एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो तब क्या होता है कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा ठीक हो गया तो थीटा क्यों क्यों समार रखा है उसकी जो है वो हम आगे कैलकुलेशन के अंदर हमें जो है वो समझ आ जाएगी कि थीटा को वेरी सम्भाल रखने की क्या वजह थी तो अब अगर थीटा समाल हो तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के तो इसका मतलब साइन थीटा की जगह मैं थीटा लिख देता हूँ तो ये आपकी री स्टोरिंग फोर्स आ गई लाजमी बात है अगर उसके अंदर यहाँ पर आपने खड़ा किया था छोड़ दिया छोड़ा था तो यहाँ पर उसकी स्पीड ज़ीरो थी उसके बाद मूव करना शुरू इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलेशन पैदा हुआ तो एक्सेरेशन पैदा हुआ तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए आ गया अब इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूं तो इससे हमें ए इज इक्वल टू माइनस डी थी था तो यहां पे माइनस था तो ये आपका रिलेशन आ जाता है अच्छा अब यहां पे वैल्यू आ गई थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा हम कहाँ से निकालेंगे अगर बहुत ज्यादा समाल है ठीक हो गया तो हम उसको कैसे मैयर करेंगे तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हमें पता है कि जब एक मोशन सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रही है तो एस इज इक्वल टू आर थीटा से हम उसका एंगल थीटा निकाल सकते हैं अब थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर ठीक हो गया अब ये ये वाला जो कंपोनेंट है स्ट्रेट डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं लेकिन ये कर्व वाला पात जो है वो हम आम लाइफ के अंदर मतलब आसानी से नहीं निकाल सकते ये कर्ड पाथ तो अब इसी वजह से हमने एंगल वेरी स्माल रखा था तो अब अगर एंगल वेरी समाल हो तो इसका मतलब ये हो गया कि मैस बिल्कुल इसके नज़दीक नज़दीक होगा मतलब ये आपने अगर रखा है तो ये इस तरीके से तो अब अगर एंगल बहुत ज़्यादा समाल हो ये चीज़ हमने सेंटिपिटल फोर्स जो चैप्टर फाइव के अंदर आप लोगों ने पढ़ा वहाँ पर भी हमने एंगल या टाइम वेरी क्लोज टू ज़ीरो रखा था तो टाइम जब हमने टी इज इक्वल टू टी अप्रोचेस टू जीरो रखा बहुत बार क्लोज रखा तो हमने कहा का ए और बी पॉइंट एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आर्क जो है आर का जो कोई भी आर्क है फॉर एग्जांपल ये वाली जो आर्क है कर्व पाथ वो हमेशा स्ट्रेट पाथ के इक्वल एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आएंगे ना तो ये और कर पाथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस था एक्स ये तो हमें पता है कि हमने उससे इधर से कितने डिस्टेंस पे वन सेंटीमीटर दूर रखा टू सेंटीमीटर दूर रखा ठीक हो गया तो ये हम स्ट्रेट डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ठीक हो गया तो जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होगा थीटा को हम सम्भाल रखेंगे तो उसका आर का जो डिस्टेंस होगा वो उसके स्ट्रेट डिस्टेंस की इक्वल होगा तो थीटा वेरी स्मॉल थीटा वेरी समाल है तो एस जो है वो एक्स की इक्वल आ जाएगा स्ट्रेट डिस्टेंस की इक्वल आ जाएगा ठीक है समझ आ रही है तो थीटा वेरी संभाल रखने का यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ कि वहाँ पे स्ट्रेट डिस्टेंस और आर का डिस्टेंस इक्वल होता है जब थीटा को हम संभाल रखते हैं तो दोनों मैसेज जब मीन पोजीशन पे और वो इक्वल आ जाते हैं तो वो स्ट्रेट डिस्टेंस और आर का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है तो इसी वजह से जो ये जो एस था वो एक्स के इक्वल हो जाएगा जब एंगल बहुत ज्यादा समाल होगा तो आर आर क्या था उसका रेडियस जो कि हमने उसको कहा कि उसकी लेंथ क्या है एल तो अब इधर से हमें थीटा की वैल्यू आ गई एक्स ओवर एल बिल्कुल एस इज इक्वल टू आर थीटा क्योंकि थीटा वेरी समॉल था तो एस की जगह एक्स जो आर का लेंथ है वो इक्वल स्ट्रेट डिस्टेंस के आ गए आर आपका एल था तो इधर से आपकी ये वैल्यू अब थीटा की वैल्यू मैं उधर पुट करता हूँ तो ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल ठीक हो गया अब ये एक्सलेशन आ गया सिंपल पैंडुलम का इस केस में अब ये क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर बॉडी परफॉर्म करती है तो उसका एक्सलेशन क्या होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्यर एक्स अब इन दोनों को जब हम कंपेयर कंपेयर करते हैं तो क्या आता है माइनस जी एक्स ओवर एल इक्वल हो गया किसके माइनस ओमेगा एक्स के तो ये इससे कैंसल एक्स एक्स से कैंसिल तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू जी ओवर एल और ओमेगा को इससे अब ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू जी ओवर एल है तो इधर से ओमेगा आ जाएगा जी ओवर एल अंडर द रूट अच्छा तो अब उसी तरीके से हमें टाइम पीरियड निकालना है जो कि इक्वल है टी इज इक्वल टू टू, टू पाई ओवर एल तो अब ये क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या है टी इज इक्वल टू टू पाए और ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा टी इज इक्वल टू टू पाए अंडर रूट एल ओवर जी इसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वन ओवर टी होगा तो इधर से क्या हो जाएगा वन ओवर टू पाए अंडर रूट जी ओवर एल अब अगर इसके टाइम पीरियड के देखें सिंपल पेंडुलम का तो इसके अंदर सिर्फ लेंथ है और एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इससे जाहिर हुआ कि जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो आपका सिंपल पेंडुलम इंक्रीज होगा जी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो आपका सिंपल पेंडुलम इंक्रीज और डिक्रीज होगा जबकि और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा अब मैथ मैथ इसके अंदर है ही नहीं अब मैं इसको तीन गुना कर दें चार गुना कर दें पांच गुना कर दें टाइम पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर है एक एक्सेलरेशन के ऊपर और दूसरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर लेंथ कम ज्यादा करेंगे टाइम पीरियड कम ज्यादा इसी तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन कम ज्यादा होगा तो आपका टाइम पीरियड भी कम ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो आज हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम में ये आपका शार्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एम में पूछा जा सकता है कि सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है क्या हम आइडियल सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं मुमकिन नहीं क्योंकि तीनों जो है रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है उसके बाद फिर आगे जो हेडिंग है फोर्सेस फोर्सेस के बारे में पूछा जा सकता है कि सिंपल पेंडुलम है उसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं तो एक वेट होता है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा ठीक हो गया उसके अलावा वो स्टेबल कैसे रहता है क्योंकि एम जी थीटा का कंपोनेंट आपका टेंशन के इक्वल होता है तो इसकी वजह से कोई वर्टिकल मोशन नहीं होती ठीक है तो ये भी एम सी पूछा जा सकता है कि वर्टिकल मोशन नहीं है तो इसका क्या मतलब है वहां पे टी इज इक्वल टू एम जी इसी तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है एम जी साइन थीटा इस केस में एम जी कॉसिटा री री स्टोरिंग फोर्स नहीं है बल्कि एम जी का सीटा फोर्स है जिस वजह से कोई वर्टिकल मोशन नहीं होती अगर यहाँ पे री स्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा री स्टोरिंग फोर्स है इस केस में ठीक है थीटा इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इधर से अब इसी तरीके से इस केस के अंदर सिंपल पेंडुलम के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछा जा सकता है टाइम पीरियड का पूछा जा सकता है फ्रीक्वेंसी का पूछा जा सकता है उसके बाद उसके फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं अब उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है वो है सेकंड पेंडुलम कोई भी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड टू सेकेंड है उसको हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं ठीक हो गया तो कोई भी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड टू सेकेंड है उसको आप क्या कहते हैं सेकेंड पेंडुलम तो आप अगर शार्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेकंड पेंडुलम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो आप क्या करेंगे आप सिंपल कहेंगे कि सेकंड पेंडुलम को डिफाइन करें क्या कि ऐसा सिस्टम जिसका टाइम पीरियड क्या है टू सेकेंड तो आप अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी और वो वन ओवर टू तो आंसर आ गया पॉइंट फाइव आ जाएगी ठीक हो गया आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो सेकंड पेंडुलम अक्सर पूछा जा सकता है कि सेकंड पेंडुलम इज द पेंडुलम फॉर विच हुज टाइम पीरियड इज टू सेकेंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी पॉइंट फाइव हर्ट्स होगी या वन बाई टू हर्ट्स होगा तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही आजे होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़